गुरु राशि परिवर्तन 20 नवंबर 2021 मेष राशि वालों की बल्ले बल्ले रहेगी। सत्ता की चाबी गुरुदेव बृहस्पति के हाथ में रहेगी। मित्रों नमस्कार, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, यह जो मैं गोचर गुरुदेव बृहस्पति का बताने जा रहा हूँ यह चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी चंद्र राशि क्या है तो आप यह गुरुदेव बृहस्पति का गोचर फल अपने प्रचलित नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति 20 नवंबर 2021 को लगभग 13 माह के लिए मेष राशि के जातकों के इनकम के घर में जा रहे हैं। जो सोर्स ऑफ इनकम का भाव हो है उसमें जा रहे हैं और यहाँ के गुरुदेव कारक भी हैं। यहाँ पर जब गुरुदेव बृहस्पति जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रिजल्ट देने वाले हैं। पहली चीज, आमदनी में आपके विशेष रूप से वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं तो भारी सफलता आपको मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभ देखने को लगभग 13 माह तक आपको मिलेगा। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति बीच बीच में वक्री मार्गी अस्त भी होंगे जिसकी समय समय पर मैं जानकारी दूंगा, लेकिन यहाँ पर जब गुरुदेव गोचर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार रिजल्ट देने वाले हैं। यात्राओं के भी योग गुरुदेव की कृपा से बनेंगे। देश विदेश की आप यात्रा करना चाहते थे, प्लानिंग कर रहे थे, किसी कारणवश आप सक्सेस नहीं हो पा रहे थे तो आपको प्रयत्न करना चाहिए। 20 नवंबर के बाद यात्राओं के बहुत ही अच्छे योग बन जाएंगे। विशेष रूप से धनार्जन के योग बनेंगे। साथ ही साथ आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति भाग्य के स्वामी होते हैं और ये जब 11वें भाव में यानी कि लाभ भाव में जाएंगे तो भाग्य कई गुना आपका बढ़ चढ़ कर के साथ देगा। भाग्य में विशेष वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टियों का भी पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलने वाला है। सबसे पहली दृष्टि इनकी जाएगी 7वीं संतान भाव पे, जिसके फलस्वरूप जिन मेष राशि के जातकों के संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होगी। और संतान यदि आपके है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही थी तो उसमें भारी लाभ आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है समस्याओं का अंत हो जाएगा। यदि आप मेष राशि के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत ही सुखद समय रहेगा। लगभग पूरा वर्ष 20 नवंबर के बाद से लगभग पूरा 22 पूरा बहुत अच्छा रहेगा। विद्या के क्षेत्र में लाभ, नौकरी में यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट, इस तरीके के योग गुरुदेव बृहस्पति बना देंगे। जो व्यक्ति धर्म के कार्यों से जुड़े हैं उनको विशेष रूप से लाभ होगा। एनर्जी लेवल आपका बढ़ा रहेगा। मित्र, छोटे भाई बहन सभी आप पर मेहरबान रहेंगे, सभी पूर्ण रूप से आपका साथ देते रहेंगे। यदि आप मेष राशि के जातक हैं और अविवाहित हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार समय रहेगा। 2022 में 20 नवंबर 2021 के बाद आप प्रयास करिए तो 20 नवंबर 2021 से लगा करके 2022 में विवाह के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं, इस बीच में आपकी शादी हो सकती है, ऐसे योग गुरुदेव बना देंगे। यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी शानदार समय रहेगा। लव मैरिज भी गुरुदेव की कृपा से आपकी हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप व्यापारी हैं तो भारी सफलता आपको लगभग पूरा वर्ष मिलेगा। इसमें कहीं पर कोई इफ एंड बट नहीं है। गुरुदेव बहुत कुछ आपको देने आ रहे हैं जिसका आपको लाभ उठाना चाहिए। यदि आपकी मेष राशि है और परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी कलह रहता है, पारिवारिक जीवन में समस्याएं चल रही हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, गुरुदेव की कृपा से सारी समस्याओं का अंत होगा। यानी कि धन का लाभ, भाग्य में वृद्धि, संतान प्राप्ति, संतान से लाभ, धार्मिक यात्राएं, विद्या के लिए अच्छा समय शुरू होगा, विवाह के योग
बनेंगे, मित्रों का भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, हर तरीके से गुरुदेव आपके ऊपर कृपा बरसाने वाले हैं। तो लगभग 13 माह गुरु की कृपा का आप आनंद उठाइए। अब एक चीज़ यह भी ध्यान रखिएगा, अगर बाई दवे आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति कमज़ोर अवस्था में हैं तो आप क्या करेंगे, तो 20 नवंबर से एक आदत डाल लीजिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार आप जप शुरू कर दीजिए, ताकि जो कुछ भी मैंने बताया है, जितना मैंने बताया है उससे कहीं बढ़ चढ़ कर के आपको लाभ हो और आपका जीवन सुखद पूर्ण तरीके से व्यतीत हो। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल्पना उपस्थित होंगे अगली राशि की चर्चा के साथ। नमस्कार।